तमिलनाडु ऑटो नेरो 2016 ये हिंदुस्तान में अपनी नवयत का पहला सेमिनार है जो ऑर्थोपेडिक पे यूनानी सिस्टम में किया गया है। ये हजीम गुलाम मुस्लिम साहब की पहली वर्षी के मौके पर ये सेमिनार किया गया है। हजीम गुलाम मुस्लिम साहब एक मुमताज आलमी शोहरत याफ्ता मालिक और जर्रा गुजरे हैं ऑर्थोपेडिक, जिनका शुमार जो हैदराबाद के मशहूर खतीफा में होता था। आपका क्लिनिक जो है शाली मंडे में मौजूद था और 1984 में बरतानिया हुकूमत ने बोन सेटिंग के ऊपर एक सर्वे करवाया था। उस सर्वे में जब हकीम गुलाम रसूल साहब का नाम जो गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ बरतानिया में पहुंचा तो उन्होंने आपके ऊपर मुकम्मल टीम बंदी करने के लिए जो है डॉक्टर माइकल यार को लंदन से हैदराबाद रवाना की। रवाना करने के बाद डॉक्टर माइकल यार ने जब उनको तो पता नहीं था कि हकीम गुलाम साहब कौन है, तो उसने जो है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन हैदराबाद में अभी है, वो पहले पिक्चर हाउस के पास था, वहाँ पे पहुँचा। पहुँचने के बाद उन्होंने हकीम गुलाम साहब के ताल्लुक से पूरे मालूम हासिल की और वहाँ से डॉक्टर वाजिद साहब को लेकर हकीम गुलाम साहब के मतलब को पहुँचे। पहुँचने के बाद उनके मतलब से उनके तरीके इलाज का मुशाहदा किया। मुशाहदा करने के बाद में जब वो वापस लंदन गए, जाने के बाद सारे दस्तावेज पेश किए और वहाँ से उन्होंने एक लेटर लिखा कि अगर यूरोप के नागरिक आपके फन की महारत देख लें तो सारी यूरोप में यूनानी तरीके इलाज तरक्की करेगा। उसके बाद में हकीम गुलाम साहब पर मुकम्मल फिल्म बंदी की गई। फिल्म बंदी करने के बाद वो फिल्म BBC के जरिए रिलीज हुई। रिलीज होने के बाद यूरोप में कई ममालिक ऑस्ट्रिया फ्रांस जर्मन बेल्जियम स्कॉटलैंड पोलैंड वहाँ से जो है कई स्कॉलर आपके ऊपर थीसिस कम्प्लीट करने के लिए अपने अपने जो है उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के साथ हकीम गुलाम साहब की क्लिनिक का जो है दौरा किए और अमेरिकाई कायरोप्रैक्टिक यूनिवर्सिटी ऑफ कायरोप्रैक्टिक से भी जो है कई डॉक्टर्स आए और तमाम ये जब आपके शोहरत होने लगी तो गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया ने अपने साइंस म्यूजियम में आपकी एक तस्वीर पेशेंट का इलाज करते हुए आवेदन की जो लंदन की साइंस म्यूजियम में लगी हुई है। तो ये आपकी शोहरत थी। तो उनका इंतकाल 2015 में 22 नवंबर को हुआ और हजरत जो है ज़्यादा कुछ अलील वगैरह भी नहीं थे, थोड़ी सी नज़ला जुकाम में बरियान और बस अच्छी जिसामत के थे कि अगर कई दिन अगर वो बेड पर रहते थे तो अगर बीमार नहीं होते थे, मगर अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी उनकी सांस 74 साल की रखी थी। 1944 में पैदा हुए थे वो। तो उसके बाद में ये जब उनकी पहली भर्ती का मौका आया तो हमने जो है हज़रत गौसुल आज़म एकेडमी के बानी है वो 1998 में शुरू किए थे। तो अब बानी के जो है हम अगर याद मनाएंगे तो हम ये हमारी जो है कुछ नसीबी थी, इसीलिए हमने जो है उनके पहली भर्ती के मौके पर हर एक का अपना अपना तरीका रहता है इस साले स्वाफ करने का, तो हमने वैसे ही जो है भर्ती के मौके पर एक यूनानी संविधान मुनसिब किया। उसके बाद अकबर ने जो है जब हालत देखा कि ये मेरे बस की बात नहीं है और जितने उसके जितने नवरत्न थे जितने दीन इलाही की तरफ उकसाए थे वो सारे के सारे भाग गए उसके पास से, तो उसने फिर वापस रुजू किया। मरने से पहले यासीन शरीफ सुना और जबकि वो क़िबले की तरफ पैर करके सोता था वापस उसने जो है क़िबले की तरफ सर करके सोने लगा और लिहाजा उसका खातिमा तो बिल ईमान हुआ। और उसके बाद में जहांगीर को चढ़ाने के बाद जहांगीर को जो है हजरत से उनको चीते का हुक्म दिया, तो जब हजरत को चीता नहीं किया तो आपको जो है पहले आगरा की जेल में डाला, आगरा की जेल जाकर खानखा बन गई तो वहाँ से ग्वालियर की जेल में डाल दिया। तो चीते उसके जितने गवर्नर थे वो सारे गवर्नर ने जो है बगावत कर दी, तो जहांगीर जब बगावत की सर को भी गया तो जहांगीर को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके ग्वालियर की जेल को हुक्म भेजा गया कि हजरत हमने जहांगीर को गिरफ्तार कर लिया है, आप हिंदुस्तान की सल्तनत पर बैठिए। हजरत बोले कि हमको सल्तनत नहीं चाहिए, हमको शरीयत चाहिए। आज हम ऐसे वक्त के ऊपर जब हिंदुस्तान में शरीयत का मसला चल रहा है, कुछ चंद ऐसे आज़ाद ख्याल औरतों की वजह से जो डाले हैं, हम ये समझते हैं कि अगर जो कुरान का और शरीयत का को नहीं मानते वो तो मुसलमान होते ही नहीं, तो इनकी दरख्वास्त मुसलमान समझ कर क्यों ली जाती है? ये अदालत सबसे पहले ये सवाल करनी चाहिए कि आप अगर मुसलमान हैं तो उसकी शरीयत पर अमल करिए, अगर मुसलमान नहीं है तो उसकी शरीयत से हट जाइए और उसके ऊपर कोई सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे 10 सवाल करने की ज़रूरत नहीं है कि जो दरख्वास्त डाले हैं वो मुसलमान नहीं है,
اور اسی طرح ہم نے جو درخواست دستخطی مہم چلائی اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ کچھ لوگ ہمارا کچھ ریکارڈنگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دل ثانی کو بھیجا تھا آج جب 5% تھے آج ہم 20% ہے الحمدللہ ہم ہمارے شریعت کی حفاظت کریں گے اسی کے عنوان کے اوپر آج ایسے وقت کے جو ہے حضرت کی بدا کی رسمیں جرائی ہوئیں جب ہندوستان سارا جو ہے شریعت کے اوپر پریشان ہے تو اور ایسا موقع تھا اور اسی مہینے میں حضرت کا جو ہے اس کا بھی 27-28 تاریخ کو عرس ہے اور الحمدللہ ہم نے جو ہے حضرت کی روحانیت کے اوپر حضرت کے حکم کے اوپر حضرت کی نگاہوں میں آنے کے لیے حضرت کے فیضان حاصل کرنے کے لیے ہم نے یہ جو ہے یہ پروگرام کیا ہے.